तो एक बार फिर से राफेल डील का मुद्दा जो है वो सुर्खियों में आ गया। 2019 में लोकसभा के चुनाव के दौरान इस मुद्दे को बहुत ज्यादा हाईलाइट किया गया था और अब आने वाले टाइम में कुछ राज्यों के अंदर चुनाव है, इस करके अपोजिशन इस मुद्दे को फिर से उठा रही है। तो आज की इस वीडियो में इसी विषय के बारे में बात करेंगे, ये मुद्दा जो है यानी राफेल डील का जो मुद्दा है वो वापस फिर से सुर्खियों में क्यों आया, क्या इसका कारण है और भारत में फिर से लोग जो है वो ट्विटर पर कमेंटबाजी स्टार्ट कर चुके हैं बिना सोचे समझे। राफेल डील का जो मुद्दा है वो सुर्खियों में आने का कारण भारत नहीं है बल्कि फ्रांस है। फ्रांस में ही दो एजेंसी ने वहां पर करप्शन के चार लगाए हैं फ्रांस की सरकार के ऊपर ही, और वहां पर फ्रांस के अंदर ही वहां एक व्यक्ति को नियुक्त भी कर दिया गया है इसकी जांच के लिए। और जैसे ये व्यक्ति नियुक्त किया गया है, तमाम मीडिया हाउसेज ने, चाहे वो फ्रांस हो चाहे वो भारत हो, सब लोगों ने इस मतलब कि सब मीडिया हाउसेज ने इस बात को कवर किया है और अपोजिशन ने इस बात को बहुत ज्यादा उठा दिया है। 59,000 करोड़ रुपीज में 36 राफेल डील जो है वो परचेज करने की एक डील की गई थी भारत सरकार और फ्रांस सरकार के बीच में। अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक छोटा सा एग्जांपल यहां पर देना चाहूंगा, उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस एग्जांपल को इस वीडियो से रिलेट कर पाएंगे। सपोज आपके घर वालों ने आपको कुछ रुपए दिए और आपको मार्केट में भेज दिया घर के लिए सामान लाने के लिए। आप मार्केट जाते हो, वहां मार्केट में किसी दुकानदार से आप अच्छी डील ले लेते हो, मोल भाव करते हो, और इस डील से आपको और आपके परिवार को प्रॉफिट ही होता है, नुकसान नहीं होता। अब बताओ कि आपके परिवार वाले आपको क्या इसके लिए क्या देंगे, आपको मारेंगे क्या, फिर गालियां निकालेंगे या फिर शाबाशी देंगे? ऑब्वियसली शाबाशी ही देंगे। अब सिनेरियो नंबर दो पर आते हैं, इसका उल्टा करते हैं। अब आप मार्केट में गए, इस बार आपको प्रॉफिट नहीं बल्कि नुकसान हुआ, आप एक ऐसी डील करके आ गए कि मार्केट वाले जो दुकानदार है उसको मुनाफा हो गया, आपको मुनाफा नहीं हुआ, ऐसी डील जो है वो दुकानदार के हिस्से में चली गई। अब यहां पर आप जब घर पे आओगे तो घर वाले आपको क्या कहेंगे, आपको शाबाशी देंगे, मारेंगे या फिर मतलब कि गालियां निकालेंगे? ऑब्वियसली यहां पर आपको मार भी पड़ेगी साथ साथ गालियां भी पड़ेंगी। तो अब इस डील के ऊपर आते हैं, जहां पर इस डील को लेकर फ्रांस में इस डील के खिलाफ करप्शन के चार्जेस जो हैं वो वहां की सरकार के खिलाफ लगाए गए हैं और ये व्यक्ति की नियुक्ति भी की गई है, ये कहते हुए कि करप्शन हुआ है इस डील में, यानी फ्रांस सरकार को इससे नुकसान हुआ है और भारत को इससे फायदा हुआ है। कोई ऐसा देश होगा जहां पर अगर उसको फायदा हो रहा हो वहां पर फिर वो करप्शन के चार्जेस लगाने लग जाए किसी दूसरे देश के खिलाफ? और अब थोड़ा सा डिटेल में आते हैं और इसके विषय के बारे में अच्छे से बात करते हैं। फ्रांस के अंदर ही एक मीडिया हाउस है जिसका नाम है मीडिया पार्ट, और इसी ने सबसे पहले वहां पर आवाज उठाई थी कि राफेल डील के अंदर कुछ ना कुछ घपला जरूर हुआ है, यहां पर करप्शन जरूर हुआ है। और फ्रांस में एक नेशनल फाइनेंशियल प्रोसिक्यूटर ऑफिस है जो जांच करता है कि किसी विषय के अंदर करप्शन हुआ है या नहीं, जैसे भारत के अंदर सीबीआई करते हैं, और इस ऑफिस में एक जज की नियुक्ति कर भी दी है। 2018 के अंदर ये सेम काम जो है एक शेरपा नाम के एक एनजीओ ने भी किया था, जिसने फ्रांस सरकार पे एलिगेशन लगाए थे कि किसी ना किसी मिडिल व्यक्ति को यहां पर जरूर नियुक्त किया गया है, उसको कुछ पैसे दिए गए हैं ये डील क्रैक करने के लिए। देखो भारत सरकार और फ्रांस सरकार ने यह बात बोली कि उन्होंने किसी भी बिचौलिए को यूज नहीं किया, ये जो डील है वो फ्रांस सरकार और भारत सरकार के बीच में हुई है। तो यानी बिचौलियों को लेकर ये मुद्दा जो है काफी ज्यादा हाईलाइट हो रहा है। 2018 में शेरपा ने जब इस मुद्दे को उठाया था, इसको हाईलाइट करने की कोशिश की थी, तो फ्रांस में जैसे मैंने आपको एक एजेंसी का नाम बताया, नेशनल फाइनेंशियल प्रोसिक्यूटर ऑफिस, यहां की जो हेड है एलियन होलेट, उन्होंने ये मुद्दा जो वहां पर उसी वक्त खारिज कर दिया था, ये कहते हुए कि इसके अंदर जो है वो फ्रांस के हित छुपे हुए हैं, क्योंकि 59,000 करोड़ रुपए जो है वो फ्रांस के पास आ रहे हैं, किसी और देश के पास नहीं जा रहे हैं, तो यहां पर जांच किस बात की जाए? तो यानी 2018 में जब इसके खिलाफ जांच की मांग उठी तो वहां पर एक तरीके से इसको बंद कर दिया गया था, खारिज कर दिया गया था और इस डील को क्लीन चिट दी गई थी। लेकिन अब 2021 में मीडिया पार्ट फिर से सामने आता है, यानी दूसरी एजेंसी फिर से सामने आती है, वो ये कहती है कि हमें अब वो व्यक्ति मिल गया है जिसके थ्रू ये डील हुई है और उसे 1 मिलियन यूरो दिए गए, और इसके बाद शेरपा एनजीओ और मीडिया पार्ट इन्होंने हाहाकार शुरू कर दिया और कहा इस पर जांच होनी चाहिए। तो ये फिर से गए नेशनल फाइनेंशियल प्रोसिक्यूटर ऑफिस में और इस बार वहां पर एक नए हेड थे, जो एलियन होलेट थी वो रिटायर हो चुकी थी और इनकी जगह एक नए हेड आ गए थे, और इन्होंने यहां पर एक व्यक्ति की नियुक्ति भी कर दी है इस डील के लिए इन्वेस्टिगेट करने की। अब सपोज अगर इसमें कोई करप्शन पाया भी जाता है, कोई ना कोई इसके अंदर एरर पाया भी जाता है, तो लपेटे में कौन आएगा? तो लपेटे में आएंगे भैया उस वक्त के जो राष्ट्रपति हुआ करते थे फ्रांसवा ओलांद और उसी वक्त के जो फाइनेंस मिनिस्टर हुआ करते थे एमिन्युअल मैक्रोन, ये जो है अभी के हाल फिलहाल के फ्रांस के प्रेसिडेंट भी हैं। तब अगर इस मुद्दे को ध्यान से देखें तो फ्रांस के अंदर करप्शन के चार्जेस वहां की सरकार पर लगे हैं, ये कहते हुए कि इसके अंदर करप्शन हुआ है, कहीं ना कहीं यहां पर भारत सरकार को या फिर भारत देश को यहां फायदा पहुंचाने की कोशिश की गई है, और लेकिन हमारे देश में कुछ लोग जो हैं वो भारत सरकार के ऊपर ही भारत को फायदा होने के लिए उनको मतलब वहां पर ट्रोल कर रहे हैं, वहां पर उनको क्रिटिसाइज कर रहे हैं। कमाल की बात है, मतलब देश का फायदा होता है तब भी इन लोगों को ये बात हजम नहीं होती है। और इस मुद्दे को भारत में उठाए श्री राहुल गांधी जी ने, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर एक निजी टिप्पणी करते हुए एक ट्वीट भी किया प्रधानमंत्री की दाढ़ी को लेकर और एक फोटो भी शेयर की
और कमाल देखिए आप भारतीय राजनीति की, यहां पर बॉडी शेमिंग चलती है और भारत में आप दाढ़ी की बात करके मतलब उसका मजाक उड़ा रहे हैं, जहां पर दाढ़ी को लेकर लोग दंगे कर देते हैं, दंगे भड़क जाते हैं, पर क्या है श्री राहुल गांधी जी अपनी अलग ही राजनीति चल रही है। अब अपोजिशन की मांग यह है कि एक जेपीसी यानी ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी बिठाई जाए, यानी ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी के अंदर जितनी भी पार्लियामेंट के अंदर पार्टी है वहां पर उनके मेंबर चुन चुनकर इस पार्टी के अंदर जाएंगे, इस ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी के अंदर जाएंगे और वो खुद जांच करेंगे कि जितनी भी सरकार के पास इस डील से रिलेटेड जितने भी कागज हैं उनको अच्छे से स्टडी करेंगे और ये खुद देखेंगे क्या उसके अंदर कोई करप्शन हुआ है या नहीं। यहां पर भारत सरकार का कहना है कि भाई हम जेपीसी को मान्यता क्यों दें, क्योंकि हमने ऑलरेडी ये जो चीजें हैं वो सुप्रीम कोर्ट को दे दी थी और सुप्रीम कोर्ट ने इसको क्लीन चिट दे दी है। अगर हमने आज जेपीसी को मान्यता दी तो यानी सुप्रीम कोर्ट जेपीसी से कम हुआ। भारत में संविधान का रक्षक सबसे बड़ा रक्षक जो है वो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला ही सबसे बड़ा होता है, यानी जेपीसी को मान्यता देना सुप्रीम कोर्ट से ऊपर करने की बात आ जाती है। और एक और तर्क जो भारत सरकार ने यह कहा है कि भैया इससे जो है चीजें लीक हो सकती हैं, जो चीजें हमने मांगी हैं इस डील के अंदर उनका लीक होने का खतरा है और भारत की सुरक्षा के साथ हम कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हैं। देखा जाए तो भारत सरकार ने यहां पर जो पॉइंट रखे हैं वो बहुत ज्यादा सही रखे हैं। अब देखने वाली बात यह है कि आने वाले टाइम में मुद्दा कितना ज्यादा हाईलाइट होता है, ट्विटर पर लोग बिना सोचे समझे कैसे ट्वीट करते हैं, आने वाला समय ही बताएगा। अगर आप लोगों की क्या राय है इस डील को लेकर वो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही था इस वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।